देखिए गाइस, मैं पिछले वीडियोज में, ठीक है, ये क्वेश्चन जो समझा रहा था तो इसको कुछ यहाँ तक समझा पाया था। थोड़ा मिस्टेक हो जाने के कारण जो है वो यहीं तक उस वीडियोज में है, लेक्चर 22 में, ठीक है। तो ये 23 में जो है हमें ये तुम्हें पूरा इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक ये थे, तो हमें इसका जो ओजी चाहिए मतलब है ना, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हमें कॉमन में क्या मिलेगा, ठीक। यानी यहाँ से ऊपर 4 कॉमन है और 3H भी कॉमन है, तो 3H अपान में 4, या ऐसा कर दें 3 से 3 कैंसिल कर दें, यहाँ भी कैंसिल हो रहा है ना। तो यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, कॉमन हो गया तो क्या बचा यहाँ पर, एच अपान 4 और 3 से 3 कैंसिल हो गया है, और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया है, तो माइनस एच और माइनस एच अपान एट, और अपान में ये देखो यहाँ से 1/3, यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/3 माइनस 1/8 3 = 24, ये बचेगा है ना। और पाई आर स्क्वायर जो हमने कॉमन लिया है, यहाँ भी नीचे भी कॉमन है पाई आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो इतना बचेगा। जब इसको तुम सॉल्व करोगे, ठीक, तो ये हमें कुछ मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग और देखना क्या आएगा, ठीक है। तो ये हमको यानी 2H में से H गए H, यानी H/8, और ये इसका एलसीएम कितना आएगा, 24 का 3 से 3 8 = 24 ही आएगा। तो ये हमारा 3 8 = 8 में से 1 गए 7, 7/24 ये मिलेगा। और इसको जब चेंज करेंगे तो H/8 - 24/7 है ना, 8 3 = 24, यानी कि ये हमें कुछ 3H/7 इस प्रकार से इसका जो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो मिलेगा, ठीक है। तो इसको देख लेना और अच्छे से कर लेना, कहीं मिस्टेक ना हो, ठीक है। कैलकुलेशन बस करना है, बाकी और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो इसी टाइप्स का इसमें नेक्स्ट जो है देखते हैं, ठीक। जैसे हमारे पास एक सर्किल है, क्या है ये सर्किल, क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा ध्यान रखना, ये सर्किल है और इसमें एक आइसोस्केल्स ट्रेंगल है, ठीक है। और वो आइसोस्केल्स ऐसा ट्रेंगल है जिसमें दो उसकी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, समझ रहे हो, दो उसकी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक। ये इसका सेंटर है, ठीक है। और ये क्यों भाई, चल क्यों नहीं रहा, ठीक। और इसमें हम कह दें कि एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है जो, ठीक, ये चल ही नहीं रहा, क्यों, क्या हुआ इसको, ये ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब ये दोनों क्या है, इक्वल है, यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना, तो ये भी तो इसकी क्या है, रेडियस है, ठीक, और ये भी इसकी यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, तो
तो ये पार्ट को मतलब निकाल करके अलग कर लिया गया, कौन से पार्ट को, ए बी सी ओ ये वाले पार्ट को, है ना। तो कह रहे जो शेष पार्ट बचा है उसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो पूरे सर्किल का ओ जी है, ठीक। अब हम इसको ओरिजिन इसको मान रहे हैं, ध्यान रखना, ओरिजिन हम इसको मान रहे हैं, ठीक है। तो ओ जी वन, ठीक, का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, क्योंकि ओरिजिन इसे मान है, तो ओरिजिन पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर इसका ओरिजिन जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और ओ जी टू का मतलब जो हम ये पार्ट निकाल रहे हैं, तो इसका भी कहीं इसके मध्य में होगा, ये हमारा जी टू है और ये हमारा जी वन है, ठीक है। तो ओ जी टू यानी ट्रेंगल का, तो ट्रेंगल का मतलब क्या होता है, उसका एरिया। ट्रेंगल का मतलब क्या होता है, उसका एरिया। देखिए 1/2 और बेस, तो इसका बेस क्या होगा, बेस का मतलब होता है जिस पर ये जो है 90 डिग्री एंगल बनाए, है ना। तो इसका जो बेस होगा, तो देखिए यहाँ से ये बेस है, वो हाइट है और ये बेस है पूरा। तो ये रेडियस हमने मान लो ए मान लिया, तो ये होगा 2a और हाइट ये ए होगी, है ना। तो वन सॉरी, ट्रेंगल का हमें हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, क्या बताया था, ओ जी टू, हमने इसका जी टू माना है ना। तो ओ जी टू क्या होगा सेंटर ट्रेंगल का, ध्यान करो, वीडियो देख लेना, ए अपान थ्री होता है, क्या होता है, ए अपान थ्री, ठीक। तो इसका हमने ए अपान थ्री मान लिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसका हम वेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वेट। तो ये हमारा प्लैनर ग्राफ है सर्किल, है ना। तो प्लैनर ग्राफ होने के कारण इसका जो वेट होगा डब्लू वन, है ना, हम पूरे का वेट क्या मान लेते हैं, डब्लू वन मान लेते हैं, और इस ट्रेंगल का हम वेट डब्लू टू मान लेते हैं। तो डब्लू वन जो हमारा आएगा वो क्या होएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब यहाँ रेडियस ए है, तो हम पाई ए स्क्वायर लिखेंगे। और डब्लू टू जो हमारा आएगा वो ट्रेंगल का, है ना। तो ट्रेंगल का वेट 1/2 उसका एरिया होता है, तो इसमें बेस क्या है, 2a हो जाएगी, और हाइट क्या है, ये a रेडियस, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। देखिए हमें इसमें सब कुछ मिल गया, और इसका ओ जी वन मतलब जीरो होगा, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन हमने यहाँ इसका लिया है, ठीक। तो अब देखिए शेष बचे हुए पार्ट का जो ओरिजिन है वो हम जी मान लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट का, है ना। जो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमने जी मान लिया, तो ये जी कहीं यहाँ होगा, क्योंकि इधर ही ज्यादा बच रहा है, तो जिधर ज्यादा पार्ट बचेगा, अधिक मैक्सिमम पार्ट बचेगा, उधर ही उसका जी होगा, है ना। तो हम रिमेनिंग पार्ट का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो ओ जी बराबर ओ जी वन इंटू डब्लू वन प्लस ओ जी टू माइनस डब्लू टू अपान में डब्लू वन प्लस माइनस डब्लू टू। अब यहाँ रखेंगे तो ओ जी वन, यहाँ पर ये जीरो है ओरिजिन, है ना, यहाँ पर क्या है, हाँ, इसका जीवन बिल्कुल जो है शून्य होगा। तो ये शून्य है, तो ये पूरा शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड प्लस माइनस का माइनस ओ जी टू, इसका ओ जी टू ए बाई थ्री होता है, और इसका डब्लू टू क्या है, ए स्क्वायर हमने निकाला है, क्या निकाला है, ए स्क्वायर। और यहाँ पर डब्लू वन हमारा क्या है, पाई ए स्क्वायर है, ठीक। और यहाँ इसका डब्लू टू का क्या है, ए स्क्वायर है, ठीक। तो ये हमारा क्या आएगा निकल करके, माइनस ए अपान थ्री ए स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, पाई माइनस वन बचा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस ए अपान थ्री पाई माइनस वन, ये हमारे रिमेनिंग पार्ट का क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है, ठीक।
तो निगेटिव का मतलब हमें ये बता रहा है कि उसका जो सीजी होगा है ना, निगेटिव का मतलब हमें ये बता रहा है कि इसका जो सीजी होगा यानी जी यहाँ होगा कहीं, तो ये निगेटिव वैल्यू आए तो यहाँ पर जी होगा। तो इस प्रकार से हम इसको किसी भी जो है पार्ट के क्या निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जी निकाल सकते हैं। कोई बॉडी अगर अलग कर ली जाए या कोई उसमें ऐड कर दी जाए, तो ऐड करने का मतलब वेट सभी पॉजिटिव होंगे, और अलग करने का मतलब जो जितना पार्ट अलग होगा उसका वेट हम माइनस में लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इजीली हम इनको कर सकते हैं। ठीक, तो फार्मूले याद रखना। ठीक है, ये इसके लिए अगर तुम्हें देखना है तो पिछले वीडियोज मैंने अपलोड कर चुका हूँ किस प्रकार से इन्हें इनके जो है फार्मूले बने हैं, कैसे इन्हें निकालना। जब एक एक करके जो देखोगे तब समझ में आएगा कि हाँ ऐसे ऐसे फार्मूले इसके यूज किए जाएंगे, ऐसे ऐसे पीछे बने थे है ना, और ऐसे करवाएगा था। ट्रेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, कर्व का क्या होता है, सेमी सर्किल का क्या होता है, सर्किल का क्या होता है ना, ये सब जो है मतलब उनका ओजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो डायरेक्ट जो हम रखते हैं यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे ट्रेंगल का हमें हमारे पास क्या होता है, ए अपॉन थ्री होता है। सर्किल का क्या होगा, ठीक है, तो सर्किल का सेंटर अगर यहाँ ले रहे हैं तो जीरो होगा उसका और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस प्रकार से देख जो है पीछे तुम्हें देखना पड़ेगा तब आगे समझ में आएगा, अगर पीछे जो है नहीं देखोगे तब समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो इसका कुछ पार्ट पिछले वीडियो में है और कुछ पार्ट यहाँ, क्योंकि थोड़ा मिस्टेक हो गया था, लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए वो जो है कट हो गया, तो थोड़ा इसको भी देख लेना और इसके पीछे वाले वीडियोज में उसका हाफ जो है आधा सॉल्विंग करा दिया था। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।